अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉलोनियलिज्म क्या होता है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है, इम्पीरियलिज्म क्या होता है। इसके अलावा हम जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में काम किया है, जैसे कि फ्रांस फैनन, एडवर्ड सईद, होमी के भाभा, इनके जो वर्क्स हैं और इनकी जो इनकी थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं जैसा कि यूरोसेंट्रिसिज्म, हाइब्रिडिटी, डबल कॉन्शियसनेस, मिमिक्री, इनको डिस्कस करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं कॉलोनियलिज्म। अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म को पढ़ने से पहले आपको कॉलोनियलिज्म का पता होना चाहिए। कॉलोनियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म इज़ अ प्रैक्टिस और पॉलिसी ऑफ कंट्रोल बाय वन पीपल और पावर ओवर द अदर पीपल और एरियाज, ऑफन बाय एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज एंड जनरली विद द एम ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? एक पॉलिसी होती है जिसके थ्रू एक बंदा या एक कंट्री जो है वो किसी दूसरे कंट्री पे जो है कंट्रोल कर लेता है। किसके लिए? इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए। तो उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। मतलब जैसा कि इन ब्रिटिश जो थे वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इन्होंने यहाँ पे रूल किया था। इसके अलावा हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर में मोस्टली जो डिस्कस किया जाता है वो है ब्रिटिश जो है वो अफ्रीका में और नॉर्थ अमेरिका में आके उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, अपनी कॉलोनीज बना ली थी, तो उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और जो सारा लिटरेचर इसकी इफेक्ट से जो कॉलोनियलिज्म के बाद हुए उसको डील करता है उसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं। अब देखते हैं इसकी फंक्शनल डेफिनेशन। पोस्ट कॉलोनियलिज्म द हिस्टोरिकल पीरियड और स्टेट ऑफ अफेयर्स रिप्रेजेंटिंग द आफ्टर मैथ ऑफ वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म। द टर्म कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द कॉन्करेंट प्रोजेक्ट टू रिक्लेम एंड रीथिंक द हिस्ट्री एंड एजेंसी ऑफ पीपल सबऑर्डिनेटेड अंडर द वेरियस फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म। ठीक है, एक्चुअली जो स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म है उसी को पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं। मतलब स्टडिंग द आफ्टर मैथ इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब आगे क्या आता है? इम्पीरियलिज्म। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हम इम्पीरियलिज्म इज़ द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन, यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स। एक्चुअली कॉलोनियलिज्म की पीछे जो वजह होती है, जो पॉलिसी होती है, उसी को इम्पीरियलिज्म कहते हैं। और उसी इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी के तहत जो वो कंट्री है मजीद जगहों पर कब्जा करती है, वह मजीद पॉलिसीज बना के जो है वो उस जगह को यूटिलाइज़ करते हैं। और जो कॉलोनाइज़र होते हैं वो जो पहले से लोग वहाँ रह रहते हैं उनकी लैंड को जो यूज़ करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्ट पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जिन्होंने इसके बारे में थ्योरीज पेश की हैं। सबसे पहले फ्रांस फैनन। फ्रांस फैनन का पूरा नाम फ्रांस उमर फैनन है। वॉज अ रेवोल्यूशनरी पोलिटिकल फिलासफर फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ मार्टिनिक। हिज मैनी वर्क्स आर हाईली इन्फ्लुएंशियल। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में है वो है द रेस्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, ये एक बुक थी जो कि पब्लिश हुई 1961। इसमें जो है ऑथर क्या कहते हैं, प्रोवाइड्स अ साइको एनालिसिस ऑफ द डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन अपॉन द इंडिविजुअल एंड द नेशन एंड डिस्कसेस द ब्रॉडर सोशल कल्चर एंड पोलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग। अब ये इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका मेन कंसेप्ट क्या था इस बुक में। द रेस्ट ऑफ अर्थ सर्व एज अ सॉर्ड गाइड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉलोनाइज एंड द स्ट्रगल एंड इन इट। फैनन अल्टीमेटली आर्ग्यूज दैट कॉलोनियलिज्म एंड इनहेरिटेड रेसिज एंड वायलेंट प्रैक्टिस कैन ओनली बी ओवरकम बाई यूजिंग वायलेंस इन रिटर्न। अब इसमें क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं कि कॉलोनीज का जो एक्ट है ये इसके ये वायलेंस है और इसको वायलेंस की मदद से ही रोका जाएगा। ठीक है, उनका ये कंसेप्ट था। उन्होंने स्टडी किया था साइको एनालिसिस कॉलोनाइजेशन के बाद जो वहाँ के लोगों में जो उनकी जो साइकी है उनको स्टडी करके उसके बारे में इन्होंने वर्क लिखा था। उसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड सईद। इनका इम्पोर्टेंट वर्क जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड है वो है ओरिएंटलिज्म। इट वॉज़ अ बुक पब्लिश इन 1978 बाई एडवर्ड सईद इन विच द ऑथर एस्टेब्लिशेज द टर्म ओरिएंटलिज्म एज अ क्रिटिकल कंसेप्ट टू डिस्क्राइब द वेस्ट कमोनली कंटेम्पशियस डिपिक्शन एंड पोर्ट्रेयल ऑफ द ईस्ट। ठीक है, अब इसका मेन कंसेप्ट ओरिएंटलिज्म का क्या था? जो कि लोग स्टडी करते थे ना कॉलोनियलिज्म की, वो ईस्टर्न लोगों के बारे में करते थे। करते कौन थे? वेस्ट करते थे। और वो जो हकीकत थी उसको उस तरह से पोर्ट्रे नहीं करते थे बल्कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताते थे। He argues that Orientalism is a style of thought based upon an ontological and epistemological distinction between the Orient and the Occident. ठीक है, in this way Orientalism tends to rely on binary opposition between the West and East that most of the time is misleading and destructive. वो कहते थे ये ब्रिटिश लोगों ने जितनी भी स्टडी किया ना ईस्ट के बारे में, ये उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है, उन्होंने
सही तरीके से उन हालात को डिपिक्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश मोर पावरफुल थे तो वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते थे, वो हमेशा जो ईस्टर्न लोगों को है ना वो नीचा समझते थे, और वो कहते थे इनकी हिस्ट्री कुछ है ही नहीं, इनका लिटरेचर किसी काम का नहीं है, हम तो बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, और ये वो, मतलब वो ख़ुद को बहुत सुपीरियर समझते थे और उसी के हिसाब का उनका लिटरेचर था। लेकिन जो ये एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म में यही कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ये कोई फेयर नहीं था, कोई ये एक बायस जो है वो स्टडी थी, और ये जो भी स्टडी की गई वेस्ट की तरफ से ये बायस थी। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है यूरोसेंट्रिसिज्म। अब हम देखते हैं ये क्या है। यूरोसेंट्रिसिज्म हैज़ बीन वेरियसली डिफाइंड एज एन एटीट्यूड, कंसेप्चुअल अपरेटस और सेट ऑफ एम्पिरिकल बिलीव्स दैट फ्रेम यूरोप एज द प्राइमरी इंजन एंड आर्किटेक्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द बेरर ऑफ द यूनिवर्सल वैल्यूज एंड रीजन एंड द पिनाकल एंड देयरफॉर मॉडल ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। अब यूरोसेंट्रिसिज्म क्या है? यूरोसेंट्रिसिज्म जो है एक एटीट्यूड है जो यूरोप के लोगों में होता है कि वो समझते हैं कि वही सुपीरियर हैं, वो अपनी ही चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो ख़ुद को एक्टिव समझते हैं और बाकी लोगों को ऐसे समझते हैं कि वो हम ही पर डिपेंड करते हैं। तो ये हमेशा जो है उनमें एरोगेंस होती है, यूरोप के जो भी राइटर्स हैं या जो उनके अपनी किसी भी चीज़ को लेके वो ईस्ट वालों को कुछ समझते नहीं है, ये वेस्ट वेस्ट लोगों के बारे में बात की गई है। तो ये टर्म जो है यूरोसेंट्रिसिज्म, मतलब यूरोसेंट्रिक मतलब बायस सोच है उनकी, वो यूरोप को ही सुपीरियर समझते हैं, मतलब रेसिस्ट हैं वो लोग, दूसरों को वो जो है डिस्टिंग करते हैं अपने आप से। अब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हाइब्रिडिटी। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब हाइब्रिडिटी होता क्या है? एट अ बेसिक लेवल हाइब्रिडिटी रेफर्स टू एनी मिक्सिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्टर्न कल्चर। हाइब्रिडिटी हैज़ फ्रिक्वेंटली बीन यूज इन पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स टू मीन सिंपली क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज। This use of term has been widely criticized since it usually implies negating and neglecting the imbalancement and inequality of the power relation it references. Hybridity actually क्या होता है? एक किस्म का दो कल्चर का मिक्स हो जाना है। जब वेस्ट वाले लोग ईस्ट में आए तो उनके जो कल्चर हैं वो इंटरमिक्स हो गए, और इनकी एक जो जब दोनों कल्चर मिक्स हो गए तो जो एक्चुअल आइडेंटिटी थी वो क्वेश्चन में आ गई, मतलब वो उसकी रियलिटी क्या है, इसी को हाइब्रिडिटी बोलते हैं। इसका सिंपल वर्ड्स में ऐसे है कि अगर एक शॉप है जो कि आइसक्रीम की शॉप है, तो बाहर से जो कोई लोग आते हैं वो रेफ़र करते हैं कि आप लोग इसके साथ जो है वो कुछ और भी सेल करें, जैसा कि बर्गर भी सेल करें। तो अब वो दोनों चीज़ों की शॉप है, तो अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस शॉप का क्या नाम होना चाहिए, बर्गर वाली शॉप या आइसक्रीम वाली शॉप। इसी तरह जब दो कल्चर मिक्स हो गए तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो क्वेश्चन में आ गई, तो इसी को हाइब्रिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मिमिक्री। मिमिक्री इन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज़ मोस्ट कॉमनली सीन व्हेन मेंबर्स ऑफ कॉलोनाइज सोसाइटी इंडियंस और अफ्रीका इमिटेट द लैंग्वेज ड्रेस पॉलिटिक। ये मिमिक्री आज भी हमारे अंदर पाई जाती है, जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत शौक से फॉलो करते हैं, तो क्या होता है कि पोस्ट कॉलोनियल इफेक्ट में से एक हमें चीज़ जो नज़र आई है वो मिमिक्री है, कि हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, वेस्टर्न लोगों को कॉपी करना शुरू कर दिया, इसको मिमिक्री बोलते हैं। होप सो आज की वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।